आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए। तो पहले कॉलम में दिया हुआ है ए सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। तो आइए एक एक करके एक एक को अध्ययन करते हैं। तो हम कॉलम बी, कॉलम दूसरा जो है उसको अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम अगर देखें राइजोबियम को, है ना, राइजोबियम को देखें, तो राइजोबियम जो होता है वह सहजीवी जीवाणु होता है, सहजीवी जीवाणु होता है। और यह किसमें होता है? यह होता है लेग्यूमिनस पादपों के, जड़ों के, ग्रंथियों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये करता क्या है? यह वायुमंडलीय, यह क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकृत करता है। स्थिरीकृत करता है किसमें? कार्बनिक नाइट्रोजन में। ठीक है, तो इसका मिलान किसके साथ होना चाहिए? यह मिलान होना चाहिए राइजोबियम के साथ। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, दूसरा विकल्प की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें किसकी, एजोटो बैक्टर की, तो एजोटो बैक्टर जो होता है यह मृदा में मुक्तावस्था में पाया जाता है, मतलब वहां पे फ्री होगा, है ना, फ्री स्थिति में, मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। तो यह भी क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें बदल देता है? कार्बनिक नाइट्रोजन में स्थिर कर देता है। ठीक है, और मृदा में जो नाइट्रोजन होती है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। तो अर्थात एजिटोबैक्टर का मिलान किसके साथ होगा? मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु के साथ। इसके बाद अगर हम बैसिलस थुरिंजिएसिस को देखते हैं, तो उसका क्या है? बैसिलस थुरिंजिएसिस, तो ये इसे हम बीटी कहते हैं। ठीक है, तो आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा। तो यह जो होता है इसका प्रयोग तितली तितली और जो कैटरपिलर होते हैं, कैटरपिलर क्या होते हैं? तितली के लार्वा होते हैं। ठीक है, इनके नियंत्रण के लिए प्रयोग किया गया था। क्या हुआ था उस समय? उस समय इस बीटी का, बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग कर केमिकल को पादपों में इसका छिड़काव कर दिया गया था। तो जब ये कैटरपिलर जो होते हैं ये इन पादपों को खाते थे, इनकी पत्तियों को खाते थे, तो इनका जो पाचन नाल होता है ना, पाचन नाल जो होता है वहां पर एक पाचन नाल में एक टॉक्सिन बन जाता था, और टॉक्सिन से फिर ये लार्वा जो होते थे, कैटरपिलर जो होते थे, ये इनकी मृत्यु हो जाती थी। इनकी मृत्यु तो हो जाती थी परंतु ये दूसरे कीट को हानि नहीं पहुंचाते थे। इस प्रकार इन तितली और कैटरपिलर जो है उनमें नियंत्रण किया गया था। तो इस बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएसिस का मिलान किसके साथ हो जाएगा? तितली और कैटरपिलर्स के साथ। और बचा हुआ जो ड्रैगन फ्लाई है, इसका मिलान किसके साथ हो जाएगा? मच्छरों के साथ। अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो आपका उत्तर है ये वाला। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।